चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं लोकसभा, जहां पर फिलहाल साध्वी प्रज्ञा ने जो बयान दिया है उसको लेकर हंगामा देखने को मिल रहा है। हालांकि इससे पहले ही सभी विपक्षी पार्टियों ने जो है वो स्थगन प्रस्ताव इसको लेकर ला दिया। आप माननीय सदस्य, आप रोज जो सदन के बाहर बोलेंगे उस पर अगर चर्चा होने लगेगी तो ठीक है, सदन चर्चा कर ले। नौ हाउस में कहा मैंने व्यवस्था दे दी है कि रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, मैंने रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। कोर्ट में गया ही नहीं तो हटाने का क्या सवाल? नो माननीय रक्षा मंत्री ये चुप है जब बोले ना। आप बैठे सीनियर सदन के उपनेता बोल रहे हैं। सुरेश जी आप सीनियर मेंबर हैं। आप मैं इस विषय पर डिबेट में किसी को भी नहीं बोलने दूंगा। और कोई भी विषय जब उनका सदन के रिकॉर्ड में लिया ही नहीं गया तो इस पर चर्चा करने का सवाल था। फिर भी अगर रक्षा मंत्री जी कोई बात कहना चाहते हैं तो कह। ना बैठे बैठे मत बोलिए, बैठ जाइए। अध्यक्ष आपका कोई रिकॉर्ड में नहीं आया, बोलते रहो आप। माननीय रक्षा मंत्री अध्यक्ष महोदय, नाथूराम प्लीज। दादा अध्यक्ष महोदय, नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहे जाने की बात तो दूर। मैं समझता हूं कि यदि देशभक्त मानने की किसी की सोच है, हम इस सोच को ही पूरी तरह से हमारी पार्टी कंडम करती है, हमारी सरकार कंडम करती है। जहां तक महात्मा गांधी का प्रश्न है, महात्मा गांधी हम लोगों के लिए आदर्श है और वो पहले भी हमारे मार्गदर्शक थे और भविष्य में भी हमारे वो मार्गदर्शक रहेंगे। और उनकी जो विचारधारा है, उनकी विचारधारा उस समय भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है और मुझे लगता है कि आगे आने वाले वर्षों में भी महात्मा गांधी की विचारधारा पूरी तरह से प्रासंगिक रहेगी। उनके प्रति चाहे कोई किसी भी दल का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, महात्मा गांधी को सभी अपना आदर्श मानते हैं और उन्हें अपना एक प्रेरणा स्रोत मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 भर्तृहरि मेहताब जी, भर्तृहरि मेहताब जी, भर्तृहरि मेहताब जी, ऑनरेबल भर्तृहरि मेहताब जी, माननीय मंत्री महोदय, ऑनरेबल स्पीकर, माननीय सदस्य, व्हेन आई कम टू दिस हाउस, अपनी सीट पे जाएं। व्हेन आई कम टू दिस हाउस आई हैड कम विथ mind to say, to congratulate you. To congratulate you for the technical support which Lok Sabha TV is providing to all members. Since last 2 days, the video recording of our deliberation in this house is being sent directly to us, which is very praiseworthy, and it is your initiative which has made it possible. I would thank you in the first hand getting this opportunity to put my question. My question number is 141. Answer is laid on the floor of the table. Sir, my first supplementary is, it is a well-known fact that air traffic has expanded exponentially, but air traffic infrastructure and safety measures have not kept pace with such increase in air traffic. In fact, scant attention has been given to this issue over a period of time.
I would like to know from Honorable Minister whether the government is going to add any value to airport operation, whose main problem lay in poor airside infrastructure and air traffic management. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय सदस्य का कि उन्होंने पिछले पांच वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार ने जिस तरह से देश के आम नागरिक को उड़ सके इस दृष्टिकोण से जो सुविधाएं प्रदान की, और पिछले पांच वर्षों में बदली हुई परिस्थितियों में जिस तरह से देश में हवाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है, उस विस्तार को लेकर के अपनी सहमति व्यक्त की है, मैं माननीय सदस्य का इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से ट्रैफिक बढ़ने के कारण से एयर ट्रैफिक की संचालन की व्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ा है, लेकिन उसके कारण से किसी भी तरह से सुविधा जो जन सुरक्षा से समझौता हो ऐसी परिस्थिति नहीं है। जो मूल प्रश्न में भी माननीय सदस्य ने जो जिस विषय को लेकर के प्रश्न किया था एयर प्रॉक्सिमिटी को लेकर के, उस विषय में भी अंतर्राष्ट्रीय जो मानक है, जो औसत है, उस औसत की अपेक्षा में विश्व में भारत का औसत जो है एयर सेफ्टी और एयर मिस की जो घटनाएं हैं उनको लेकर के लगभग और अंतर्राष्ट्रीय औसत से एक तिहाई पर है, और विश्व के मानक के स्तर पर भी यदि हम देखें तो इस दृष्टिकोण से ऐसी घटनाएं जो निश्चित रूप से हम सब के लिए चिंता का विषय है, उन सब के दृष्टिकोण से भी हम विश्व की सूची में 11वें नंबर पर हैं। तो जो सबसे ज्यादा जहां पर इस तरह की घटनाएं हुई वो अमेरिका में हुई है, सारे विकसित देशों के बाद में हम 11वें नंबर पर पायदान पर हैं, और बिजी एयरपोर्ट्स जो हैं उनकी दृष्टिकोण से भी देखें तो पहले 10 में हम 7वें स्थान पर हैं, जहां सुरक्षा मानकों पर किसी तरह की के कारण से एयर प्रॉक्सिमिटी की घटनाएं दर्ज हुई हैं। मैं माननीय सदस्य की और सदन की संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाएं जो रजिस्टर हुई हैं वो चार कैटेगरीज में जिनको डिवाइड किया जाता है, उसमें जो सर्वाधिक चिंता का विषय ऐसी पिछले 3 वर्ष में। तो कांग्रेस ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया है। आपको बता दें कि दो गोडसे को देशभक्त जो बताया गया था साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के जरिए, उसमें लोकसभा में हंगामा हुआ है। रिकॉर्ड से नहीं, सारी 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 दुनिया ने उसको वीडियो क्लिप को देखा है, वो आज भी पब्लिक डोमेन में है, और इनके खिलाफ हम तो स्पीकर से दिए हैं पुलिस मोशन, देखिए स्पीकर क्या करते हैं, तो उनका प्रोग्रेटिव सर कल डिनाई कर रहे थे कि बोला ही नहीं, उन्होंने कहा कि आप पूरा देखिए या बट सी इन दिस डे इन एज व्हेन यू हैव 24 आवर्स मीडिया, यू हैव सोशल मीडिया, यूट्यूब, द होल वर्ल्ड, द होल कंट्री हैज लिसन टू व्हाट यू हैव सेड, सो आई हैव गिवन अ पुलिस मोशन, लेट द स्पीकर डिसाइड। ओके, सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने संसद में बयान दिया है वह अति निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के विचार को कभी सपोर्ट नहीं करती है और हम लोग उसकी निंदा करते हैं। साथ ही साथ जो वो कंसल्टेटिव कमेटी ऑन डिफेंस के सदस्य हैं, मैंने प्रहलाद जी से कहा है और उसको इमीडिएट इफेक्ट से उनको समिति से बाहर किया जाता है, उनको समिति के सदस्य नहीं रहने दिया जाएगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ इस सत्र में जो हमारी संसदीय पार्टी की बैठक होती है उसमें भी उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, वो इस सत्र के में कोई भी जो सेशन चलेगा उसमें वो पार्टिसिपेट, यानी जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे।